रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या को आप क्या मानते हैं? रंजिश में बदला, अपराध की घटना, सामान्य हिंसक कृत्य या कुछ और? ध्यान से देखिए, यह कोई रंजिश में बदला, अपराध की घटना या सामान्य हिंसक कृत्य नहीं है, बल्कि यह एक आतंकी घटना है जिसका एकमात्र उद्देश्य काफिरों को सबक सिखाना, उन्हें आतंकित करना और यह बतलाना है कि आक्रांता बाबर के सिपाही की बनवाई मस्जिद को ढहाने और राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बनवाने का प्रयास वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझना केवल यह है कि आतंकी हिजबुल लश्कर का नहीं, दीन ईमान का एक आम सा लड़का है। वो आतंकी कोई भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आतंकी हर बार समंदर के रास्ते ही आए या कश्मीर में ही संगठित होकर हमले करे या भारत के किसी मंदिर को ही निशाना बनाए। आतंकी तो हर वो आदमी है जो मानता है कि काफिर मारे जाने के लिए होते हैं, जो इस्लाम के आगे नहीं झुका या जिसने सिर ऊंचा कर अपने आराध्य के मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगा, जिसने राम नाम का उद्घोष किया, वह जीने का अधिकारी नहीं है, उसे मरना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह समय कितना भयावह, कितना बर्बर रहा होगा जब हाथों में हथियार लिए कुछ जिहादी रिंकू शर्मा के घर में घुसे होंगे और उसे माँ बाप के हाथों से छीन कर उनके ही सामने चाकू से गोद गोद कर मार डाला होगा। यह आतंक नहीं तो क्या है? हर ऐसी घटना एक आतंकी हमला है, चाहे वो डॉक्टर नारंग की हत्या हो, शुभम गुप्ता की हत्या हो, निकिता तोमर का कत्ल हो या रचित जाट का मर्डर हो। सबकी प्रकृति, सबका तरीका, सबके पीछे की कहानी एक ही है और वह कहानी ये है कि हमारी बात सुनो वरना मारे जाओ, बीच सड़क पर, घर के भीतर, सरे बाजार, कहीं भी। समझ लीजिए कि आप युद्ध में हैं। जिहाद के हथियार एक नहीं, अनेक हैं। उसके संभावित लड़ाके, पंचर बनाने वाले से लेकर डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, सिनेमा वाला, खिलाड़ी, बड़े से बड़ा नेता, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो एक हाथ से डर का जाल फेंकता है, दूसरे हाथ से आपको चाकू घोंपता है। आंखें खोलकर देखना शुरू कर दीजिए।